नमस्कार दर्शक भाई, में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा। ताई नजर आते हैं शाजापुर की खबरों पर। शाजापुर कृषि उपज मंडी में लहसुन की आवक हुई डबल, भाव में हुई भारी गिरावट। शाजापुर में विगत दो दिनों से उपज मंडी बंद होने के कारण आज बड़ी मात्रा में लहसुन की बंपर आवक हुई। बंपर आवक होने के चलते लहसुन के भाव में भारी गिरावट देखी गई। वहीं मंडी व्यापारी सलामुद्दीन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विगत दो दिनों से मंडी बंद होने के कारण आज लहसुन की बंपर आवक हुई। वहीं पिछले दिनों बारिश होने के कारण लहसुन प्याज गीले हो गए, जिसके कारण लहसुन के भाव में मंदी का दौर जारी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में लहसुन के भाव बढ़ भी और कम भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि गीला माल का भाव आज मंडी में 4 से लेकर 15 रुपए तक रहा और वहीं दूसरी ओर सूखा माल के भाव 20 रुपए से लेकर 26 रुपए तक बिका। जो लहसुन शाजापुर कृषि उपज मंडी में 30 रुपए बिकता था, आज वही लहसुन 10 से 15 रुपए बिका। लहसुन के भाव में मंदी का दौर जारी है। आज जो है दो रोज से मंडी बंद थी। शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण आज माल की आवक मंडी के अंदर डबल। मंडी में ये है, माल की आवक होने के कारण कुछ गीले माल ज़्यादा, पानी बरसा की वजह से कई जगह ओले हुए, बरसात गिरी, वो माल ज़्यादा है, उनके भाव रहे 4 रुपये से लेके तो 15 रुपये। बाकी सूखा माल बिका आज शाजापुर मंडी के अंदर, राठी कंपनी से लेकर अनेक मंडी, अनेक कंपनी के ऊपर 20 रुपये से 25 रुपये, 26 रुपये तक के भी क्वालिटी वाले माल बिके हैं। लहसुन की पोजिशन आज मध्य से मध्य बिका है। जो लहसुन 25 रुपये बिक रहा था, 30 रुपये बिक रहा था, वो आज लहसुन 10 रुपये से 15 रुपये बिका है और हल्के में 4 रुपये 5 रुपये लहसुन बिका है। ये शाजापुर की मंडी की स्थिति आज है, क्योंकि पानी बंद होने के कारण माल के भाव में तेज़ी भी आ सकती है और मंदी भी आ सकती है। दोनों हाथ में है किसान के। अगर मालिक चाहेगा, अगर मान लो माल की पैदावार कम हुई, सूखा कम, आवक कम, तो मंडी में तेज़ी भी आ सकती है और मंडी में अगर बम्पर आवक रही तो मंडी में भाव भी घट सकते हैं। इसी मंडी से मतलब नहीं है, अनेक मंडी में भी यही हालत रहेगी। जो माल की पोजीशन यहाँ है, यही माल की पोजीशन आगे है। धन्यवाद।